आप देख रहे हैं एमएससी न्यूज पढ़ने को आपके साथ सुशील राठौर और इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद इटावा के भड़तरा क्षेत्र में, जहाँ एक ट्रक जो है वो बम्बे में पलटने से बच गया और काफी बड़ा यहाँ पर हादसा हो सकता है। ऐसे कई ट्रक जो है वो यहाँ पर फंस चुके हैं और पलटने से कई बार बच चुके हैं। इधर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए विद्युत पोल भी लगे हुए हैं और अब पास से दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरीके से ये ट्रक जो पलटा है। यानी कि रास्ता जो है फ्लाई ओवर की तरफ जाता है, जो भड़तरा में एक फ्लाई ओवर बना है और ये जो फ्लाई ओवर है इटावा को जोड़ता है, इटावा हाईवे को जोड़ता है और इस फ्लाई ओवर से ये जो ट्रक बाहर निकलते हैं लगातार कहीं ना कहीं एक बड़े हादसे के शिकार होते रहते हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये ट्रक पलटा है, काफ़ी बड़ी घटना यहाँ पर हो सकती है क्योंकि इधर विद्युत पोल भी लगे हुए हैं और विद्युत पोलों में करंट भी लगातार आता रहता है और कई हाई वोल्टेज की लाइनें भी लगी हुई है। और नजदीक से इधर जो आपकी दिखाने की कोशिश करते हैं, देखिए इधर की दिखाने की कोशिश करते हैं, इधर एक पोल लगा हुआ था उसको हटवा दिया गया। फिलहाल अब आप देख सकते हैं इतने कम रास्ते में किस तरीके से ये ट्रक निकलते होंगे, लगातार यहाँ पर ट्रक पलटते रहते हैं। लेकिन फिलहाल विकास की बात की जाए तो आपको विकास किस तरीके से देखने के लिए मिलता है। इधर एक हाईवे बना हुआ है जो कह सकते हैं इटावा और कन्नौज हाईवे है और ये भड़तरा में जो फ्लाई ओवर बनाया गया, इस फ्लाई ओवर के द्वारा ये जो गाड़ियां हैं वो निकलती हैं, पास होती हैं यहाँ से। लेकिन इस रास्ते की बात करें, ये बकेवर रोड है, ये फाटक की तरफ जाता है और इधर से जब ये गाड़ियां मुड़ती हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़े हादसे का शिकार होने का डर रहता है। और वही आज हुआ, देखिए इसमें जो सीमेंटेड है वो लदा हुआ है, काफ़ी गाड़ी में जो लोड है वो था और इस तरीके से ये जो ट्रक पलट गया। आप देखते हैं किस तरीके से निकलता है। फिलहाल यहाँ के लोगों से हम जानकारी लेते हैं, ड्राइवर से बात करते हैं, भैया क्या नाम है, ये कैसे हादसा हुआ है? आप देख सकते हैं रास्ता भी कम है फिर भी ट्रक को यहाँ से क्यों पास किया जाता है, क्या करें? और कोई रास्ते नहीं है यहाँ से निकलने के, फाटक की तरफ वहाँ से दिक्कत होती है, जाम लगता है अंदर बाजार, ये बाईपास है। अगर ये बात करें तो यहाँ इतना रास्ता कम है, आगे फ्लाई ओवर भी बनाया गया है तो यहाँ गाड़ियाँ तो निकलेंगी, लेकिन यहाँ की बात करें तो इस तरीके से ये रोड बनाए गए हैं। तो क्या लग रहा है इस सरकार में क्या काम हो रहा है? सरकार में क्या काम हो, ये जो रास्ता अगर आप देखिए तो फ्लाई ओवर तो बन गया है तो इतने कम रास्ते से कैसे ट्रक निकलते होंगे? बड़ी दिक्कत से निकलते हैं, देख नहीं रहे या पलटने की पोजीशन में जगह है नहीं, निकलना यहीं से नहीं हो सकता ना, यहाँ पे एक बड़ा हादसा हो जाए तभी क्या लगे। आपका यहाँ मकान भी है पास में? रास्ता अभी चालू नहीं हुआ है गवर्नमेंट के हिसाब से, लेकिन यहाँ के गवर्नमेंट के जो भी अधिकारी हैं पता नहीं ये रोड कैसे चल रही है, ये पुल बन गया है उसके बाद उसको सड़क नहीं बनाई गई है, तब तक पूरा निर्माण नहीं होता है तब तक उस रास्ते को चालू नहीं किया जाता है, इसका शिलान्यास भी नहीं हुआ है। तो मेरा यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन रहेगा जब तक इसको कम्प्लीट न किया जाए तब तक इसको बंद कर दिया जाए, ओनली छोटे वाहनों के लिए खोला जाए। तो आपको दिखाना चाहेंगे और भी पास से दिखाने की कोशिश करते हैं, इधर साइड से अगर देखेंगे रास्ता जो बना हुआ है कहीं ना कहीं बहुत ही यहाँ पर कम रास्ता है और इधर देखिए जो ये मकान बना हुआ है काफी लगा है कि दो तीन मंजिल तक ये जो मकान है कहीं ना कहीं इधर भी हादसा हो सकता है। और इधर साइड से अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक मंदिर भी बना हुआ है और काफी कम यहाँ पर रास्ता दिखाई देता है। आगे से हम ट्रक को जो है वो दिखाने की कोशिश करते हैं काफी नजदीकी से और ये देखिए ट्रक किस तरीके से यहाँ पर पलटी है से बच गया। फिलहाल आपको दिखाना चाहेंगे नजदीकी से किस तरीके से यहाँ बड़ा हादसा हो सकता था और यहाँ पर जो हाई वोल्टेज की लाइनिंग है वो भी यहाँ पर बनी हुई थी, देखिए ऊपर भी आप देख सकते हैं। तो लग रहा है यहाँ पर काफी बड़ा हादसा हो सकता था अगर ये यहाँ पर ट्रक जो है बम्बे में पलट सकता था और आसपास के लोग यहाँ पर दब भी सकते थे। अब देखना ये है कि यहाँ पर किस तरह की सड़क जो है वो बनती है या कोई यहाँ पर आश्वासन लोगों को दिया जाता है इसका कब तक निर्माण होता है या फिर ऐसे ही ये गाड़ियाँ जो बम्बे में पलटती रहेंगी। आप देखते रहिए फिलहाल एमएसएस न्यूज़।